में एक खड्डी होती थी, ऐसे जुलाहे जो कपड़ा बुनने के लिए प्रयोग करते थे, नीचे थोड़ा गड्ढा बना लेते थे, दो जगह लट से गाड़ लिया करते, उनका लंबा सूत बांध कर फिर नो ऐसे बुनते थे, धागा आर पार निकालते थे। जब वहां जाकर देखा कि ये दानक, ये तो सतलोक लेकर गया था मुझे, और वहां सचखंड में भी ये स्वयं परमात्मा है। उसी समय नानक साहब जी ने अपनी वाणी अमृतवाणी में कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, ये धानक रूप रहा करता रहे। आंखों में आंसू आ गए और जैसे बड़ी उमंग में आवाज लगाते हैं, देखो रे लोगो, देखो ये भगवान रहा। अब उनकी आवाज को सुनकर आसपास के जुलाहे इकट्ठे तो हो गए, और नानक जी ये कहे कि ये धानक रूप रहा करता, ये रहा भगवान, ये परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है, ये सतपुरुष है। तो वो जुलाहे नो कहे कि ये पंजाब का आदमी, ये भगवान बतावे, इसने पता नहीं के जादू जंतर कर दिया इस बोली आत्मा पर, इस कबीर ने, नीरू के बेटे ने। वो वहाँ के, क्योंकि कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सदे, अब नहीं माना कोई भी। तो परमात्मा ने कहा, प्यारी आत्मा, ये काल का जाल तोड़ना है, आपकी कोई नहीं सुनेगा, आप अपनी भक्ति करो और सतनाम दूंगा आपको जब आपका मोक्ष होगा। तब उन्होंने जो जो ऊपर नज़ारा देखा था नानक जी ने सतलोक का, और फिर परमात्मा को वहाँ देखा था, फिर उसने कहा था सतनाम से मोक्ष होगा और मैं दूंगा तुझे वो सतनाम, विश्वास रख, कुछ समय और भक्ति कर, पहले पांच नाम दिए थे, इन पांचों नामों की साधना कर। वो पांच नाम वो नहीं है जो राधा स्वामी वाले और ये जय गुरुदेव वाले देते हैं, या ना, वो पांच नाम और हैं, ये दास देगा जो अब सात बनाकर दिए जाते हैं। तो पांच नाम का जाप किया, सतनाम की इंतजार की। तब क्या कहते थे, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, कि ये वाहे गुरु। गरीबदास जी ने बताया कि झांकी वेख कबीर की नानक कीती वाह, और वह सिखा के गलपड़ी कौन छोटा वैता। अब नानक जी ने तो वाहे गुरु कहा था परमात्मा को सतलोक में देखकर, जो यहां गुरु रूप में भी उनके वही भगवान थे, दोनों ही रूप वही थे। तो वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाह गुरु, यानी किसी की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करते, एक ये संकेत है किसी की प्रशंसा करने का, वाहे गुरु वाहे गुरु। और सतनाम, ओहो हो, सतनाम बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो तब कहते ही सिखा ने वो वाहे गुरु सतनाम गोट लिया, लेकिन वो सतनाम दो अक्षर का है, उसका पता नहीं। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, झांकी वेख कबीर की, झांकी माने नज़ारा, जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो गणतंत्र दिवस पर सभी राज्यों की झांकियाँ निकलती हैं, उनके अंदर जो भी चीज़ हो रहा है, जो भी प्रोग्रेस है, कोई ऐसा कोई धार्मिक स्थल है या कोई प्लांट लग गया है, उसका एक मॉडल बना करके किसी ट्रैक्टर वगैरह में ट्रेला में रख कर घुमा आगे सबको दिखाते हुए चलते हैं, और दर्शक उसको देख करके उस प्रांत में जो भी प्रोग्रेस या जो भी कोई ऐसा स्थल होता है उसको जानते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको झांकी बोलते हैं। कि या महाराष्ट्र की झांकी, या हरियाणा की झांकी, या पंजाब की झांकी आ रही है। तो ऐसे पर करीबदास जी कहते हैं, झांकी वेख कबीर की, यानी सतलोक की झांकी वेख, वहाँ का नज़ारा देख कर नाने की तीवा, अरे वह सिखा के गलपड़ी कौन छुटा वेता। रोहतक एक गुरुद्वारा है दुर्गा भवन के साथ भिवानी रोड पर, तो वहाँ पर एक खरेतीलाल अरोड़ा वहाँ का पुजारी था, वह उसमें गुरुद्वारे में जाता था, और वो हमारा एक भक्त है, उसकी रेलवे रोड रोहतक में दुकान थी, अब तो दिल्ली रहने लग गया। मैं वहाँ बैठा था उसकी दुकान पर शटूल से पे, और उधर से उसी समय वो आ गया खरेतीलाल अरोड़ा किसी काम बस उसी की दुकान पे, उसने भगत ने बैठा लिया, कहा जा बैठो भगत जी, और बता गया हमारे गुरुजी हैं।
फिर हमने उनसे चर्चा की और मेरे को बताया कि ये गुरुद्वारे में सेवा बहुत अच्छे ग्रंथ के पाठी भी रहे हैं और बहुत अच्छे ग्रंथी हैं। तो मैंने खरातीलाल अरोड़ा जी से पूछा कि आप क्या नाम जाप करते हो, कौन सा मंत्र मोक्ष का जपते हो। वो कहने लगे वाहिगुरु 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 सत वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। मैंने कहा ये तो नाम जपने का नहीं है, नानक जी तो कोई और नाम जपते थे। और वो दिखाया प्राण संगली में कि देखो ये दो मंत्र का दो अक्षर का मंत्र है, प्राण संगली मेरे पास थी। वो कहने लगा ये तो साढ़े गुरुआ ने जपना था, वो दो अक्षर वाला था, असी नहीं जपना। और मैंने कहने बोला मैंने 40 वर्ष तक गुरुद्वारे की सेवा की है, मैं ग्रंथी और पाठी रहा हूँ और कोई नाम नहीं वाहिगुरु वाहिगुरु। नौ कह उठ कर चल पड़ा, सुनी नहीं एक भी। अब गरीबदास जी कह रहे हैं जाखी वे कबीर की नानक की तीवा और वह सिखा के गलपड़ी कौन छटावे था। अपने आत्माओं इस प्रकार जब परमेश्वर की महिमा को गरीबदास साहिब जी ने बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माए कबीर हुआ। अब वो गोपाल दास भी चक्कर में पड़ गया और हाथ जोड़ के न्यो बोला हे महात्मा जी, वो 60-65 साल का व्यक्ति एक 13 वर्षीय बालक को करबद्ध होकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे महाराज जी ये वाणी लिखवा दो और मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि बानिए के घर का जन्म था, वो अपनी लिख लिया करते, फारसी भाषा जानते थे, 5-4 क्लास पढ़ रहा होगा। और गरीबदास जी वहाँ से चल पड़े और गांव के मौजूद व्यक्ति जो वहाँ उपस्थित थे, जो उस बच्चे को इलाज के लिए लेकर गए थे ट्रीटमेंट के लिए, उन्होंने सोचा यू बाबा जी भी पागल हो गया, इसके साथ है इस बालक के बोले बच्चे के साथ साथ हो लिया हाथ जोड़े फिर रहा है, उन्हें सोचा इसका भी असर हो गया। अब गरीबदास जी आगे आगे और 65 वर्षीय वृद्ध पाछे पाछे और कह महाराज जी वाणी लिखवा दो। तब गरीबदास जी ने कहा जब पूरी लिखे तो लिखवाऊ भाई, कदे बीच में छोड़ के बाजा महात्मा अक नहीं जी, मेरा घर पर कोई काम रहा ना, बालक बच्चे शादी कर दी, मैं तो संन्यास लिए हुए हूँ, इस शरीर आपके नाम है। तो उस गोपाल दास जी ने कहते हैं 6 महीने तक गरीबदास जी का एक बेरी का बाग था, बेरी का बड़बेरी का बोलते हमारे का ना, वो बेरी का एक बाग था, उसमें एक जंटी का पेड़ था, उधर पहले सिंचाई साधन नहीं थे, ऐसे ही ये ऐसे फलदार वृक्ष होते थे, जैसे राजस्थान में स्थिति ऐसे उस क्षेत्र की स्थिति थी। तो वहाँ जाटी वगैरह ज़्यादा हुआ करती है, तो वहाँ जाटी के पेड़ के नीचे बैठकर दोनों गरीबदास जी बोलते थे और गोपाल दास लिखते थे। तो वो जो वाणी संग्रह की गई और भी बाद में जो चलते फिरते कभी बोलते थे तब भी लिख ली जाती थी, तो उन सभी वाणी का संग्रह परमात्मा की आंखों देखी वाणी जो मालिक ने के साक्षात्कार के बाद गरीबदास जी ने बोली, उनका संग्रह कर लिया गया। अब वो प्रिंट करा लिए गए हैं, पहले हाथ से लिखा हुआ था, हाथ से लिखे हुए का ही पाठ प्रारंभ हो गया था पहले। तो गरीबदास जी ने ये दिन जिस दिन परमात्मा मिले थे, सतलोक से चलकर आए थे, उनको दर्शन हुए थे, उपदेश दीक्षा मिली थी, उस दिन को बोध दिवस रूप में उसी दिन से पूज्य मान लिया था। और ये 4 दिवसीय सत्संग ये फाल्गुन सुदी द्वादशी, फागुन उतरते की द्वादशी के उपलक्ष्य में कि परमात्मा इस दिन सतलोक से चलकर आकर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को मिले थे और गरीबदास जी को जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को गरीबदास जी ने लिपिबद्ध करवा कर हमें देकर गए, वो अमानत और एफिडेविट है उनका कि हमने भगवान को देखा, हम सत साहेब जाना रे। गरीबदास जी कहते हमने सत साहेब जाना रे, हमने सत साहेब को देखा रे, उस अविनाशी परमात्मा को देखा रे।
जैसे कल आपको एक शब्द सुना था, वो गरीबदास जी के द्वारा वर्णित अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध है। मैं तो दे दी है बालम बैरे नो, 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 संसारी दी गल्ला चिन्ने ना बुझे शब्द जोगेरे नो, संसारी दी गल्ला चिन्ने ना बुझे शब्द जोगेरे नो, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नो, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, श्वेत छतर सिर मुकट बेराजे देखत ना उस चेरे नू, श्वेत छतर सिर मुकट बेराजे देखत ना उस चेरे नो, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए नज डेरे नो, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल रहे नज डेरे नो, मैं तो दे दी है बालम बैरे नो, मैं तो दे दी है बालम बैरे नो, मैं तो दे दी, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे, ये संसार समझदा नहीं कहंदा शाम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा की महिमा को आँखों देखकर उससे उनसे परिचित होकर साक्षात्कार करके क्या बताते हैं कि काल ने ये मन रूपी एजेंट अपना एजेंट छोड़ दिया आत्मा के साथ, आत्मा को भयभीत डरा धमका के रखता है, बुरे काम पर शीघ्र लग जाता है, स्वीकार कर लेता आत्मा इसका अनुसरण करती रहती है, और जो अच्छा काम का समय आता है सत्साधना का जो समय आता है कोई संत भक्त परमात्मा का आकर बताता है तो ये बिल्कुल नहीं मानता है और 100% खड़े कर देता है। आत्मा परमात्मा से पुकार करके कह रही है कि भगवान मैं तो इस मन के साथ बांध दी यू बैरा है, बैरा बैरा कैसे। अब जैसे एक भगत कह रहा था, मैंने अपने मित्र से कहा कि चल सत्संग है बरवाले में जाऊंगा, चलोगे? बोला टाइम को ना नू कह कर निकल गया, और थोड़ी दूरी पर वो कोई वैसे ही बात कर रहे थे कि वहाँ एक गांव में रागनी होएंगी, कंपटीशन होगा, कोई खेल तमाशा होता है, वो तो आपस में बतला रहे थे। उसके कान जाकर ने बोला, अरे वो क्या है, क्या बताना मुझे, कहाँ होगा वो? उन तो पूरा एड्रेस ले, टाइम ले, और वहाँ पहुँच गया। और अच्छी बात ने बताओ न कहना किसने देखा है, टाइम को नहीं कहते हैं।